और अगर किसी बंदे को आपसे मोहब्बत है ना, वो आपको अपने दिल में बिठाएगा, कहीं और नहीं बिठाएगा। अभी इनको बोल दो ना कि सब्जी खा लो, तो कहेंगी यू ये बहुत गंदी होती है, मुझे नहीं पसंद। और जब वीडियो लीक होती है तो बंदा सोचता है कि यार सब्जी इससे तो कम ही गंदी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं। अभी रिसेंटली मैंने उस पिंक पैंथर का इंटरव्यू देखा, वो जो मनाइल मलिक के साथ था ना, उससे वो औरत पूछ रही है कि आपके पास कितने पैसे हैं। अच्छा, कैश में है या प्रॉपर्टी की शक्ल में है? मतलब मुझे डर लग गया, मैंने कहा कहीं ये ना पूछे अपनी स्किन केयर रूटीन भी बता दो, इतना पिंक कैसे है। मतलब एक बंदा जिसने जिना किया, जिसने लड़की के साथ जिसकी वीडियोस वायरल हुई, आप उसको लाकर इतनी प्रमोशन दे रहे हो। मतलब आप सोसाइटी में क्या पैगाम देना चाहते हो बच्चों को कि बेटा आओ कंजर खाना करो, बाजी करो, इस तरह के टोटे लीक करो, हम बैठे हुए ना तुम्हें प्रमोशन देने वाले। वो जो मुहर्रम है ना, हम उसके अंदर गैरत की सारी बातें एक महीने के लिए कर लेंगे, 11 महीने कंजर खाने के लिए तो बैठे हुए हम लोग, और इनके नाम पर आपने रख दिया पूरे शो का नाम। मतलब इस पूरे अरसे में, इस 6-7 महीने, साल, 1.5 साल में आपने कोई ऐसा प्रोग्राम देखा है जो डेडिकेटेड हो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जिनकी डिस्टिंक्शन आई हो, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने कुछ अनोखा काम किया हो? बैतुलसलाम मदरसे के बच्चे रोबोट बना रहे हैं, उनके नाम पर कोई प्रोग्राम डेडिकेट हुआ हो? देखा ऐसा? नहीं देखा ना। होता यह है कि जब आप इस तरह का कंजर खाना प्रमोट कर, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। अबे मुझे लग रहा है वो 3 इडियट का सीन है ना, कि आंद्रे इस्तवान को तेरी फोटोज इतनी पसंद आई है, वो पागल हो गया है। जितने टोटे पाकिस्तान में लीक हो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है पोर्न इंडस्ट्रीज वाले टोटे देखकर बोलेंगे हम पागल हो गए हैं, ये सारे हमारे पास भेजो। इतना अच्छे तरीके से तो अंग्रेज भी नहीं कर पा रहे। मतलब आपके पेरेंट्स आपको ट्रस्ट करके भेजते हैं पढ़ने के लिए, मतलब वो भेज रहे हैं कि ग्रेजुएट बनेगी, वो बन रही है चूपाकाबरा। ये क्या कर रहे हो भाई? फिर हसन चिश्ती अगला गाना क्या बनाएगा? अपनी ती यूनिवर्सिटी तू हटा लो, उसे कुल्फी खांदी पई है। यू नो व्हाट आई मीन? लड़के हो तो आप किसी को ट्रैप मत करो यार, ये अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में होता क्या है, लड़के के तो हो रहे हैं इंटरव्यूज, माशाल्लाह आपके पास इतने पैसे कहां से आए, और लड़की के ऊपर लगता है स्टिग्मा। लड़कियां अपने अकाउंट्स बंद कर देती हैं, वो डिप्रेशन में जाती हैं, लड़का फ्रीली घूमता है क्योंकि लड़के के ऊपर तो कोई मसला है नहीं ना, वो तो तलवार है, कटा तो तरबूज है। यू नो व्हाट आई मीन अगेन? सो अगर आप लड़के हो, पहली बात तो यह है कि अगर आपने कोई यक्की कर ली है भाई, इसको प्राइवेट चीजों को प्राइवेट रखो, इसको पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। आपके आपस में इख्तलाफ होगा या व्हाट एवर रीजंस। मतलब कभी पहले होता था लोग कपड़े चेंज करते हुए ना दरवाजा बंद कर लेते थे, अब कपड़े चेंज करते हुए लोग कैमरा ऑन कर लेते हैं। और अगर किसी बंदे को आपसे मोहब्बत है ना, वो आपको अपने दिल में बिठाएगा, कहीं और नहीं बिठाएगा। इस चीज को समझो। होता यह कि जब आप इतने सारे इस घटिया कॉन्टेंट को जब आप इतनी हाइप देते हो, तो फिर जो अच्छा कंटेंट बनाने वाले हैं, मतलब एक कंटेंट क्रिएटर धूप में सड़ रहा है, वो रिसर्च कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, उसके पास व्यूज क्या आ रहे हैं घंटा, उसके पास प्रमोशंस कितनी आ रही हैं, ब्रांड्स वाली प्रमोशन नहीं, ये मीडिया की हाइलाइट्स कितनी आ रही हैं, जीरो। और यहाँ पर टोटे वायरल होने पर इंटरव्यूज हो रहे हैं। सो कंटेंट क्रिएटर बोलता है यार शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। वो एक बच्ची है ना, उसकी अम्मा बोल रही है माशाल्लाह मेरी बच्ची को लॉइन मिला है। लॉइन का मतलब होता है टिकटॉक पर आपको अगर किसी ने एक लॉइन दिया है ना, मतलब $150 दिए हैं। अगर एक बंदा आपको एक झटके में 5 लाइंस दे रहा है, वो बाद में कितने झटके मारेगा? सोचो तो सही। कोई बिलावजा आपको 2-3 लाख रुपए एक साथ क्यों दे रहा है? फॉर नो रीजंस। उसके फिर रीजंस बाद में बन जाते हैं, फिर आपको दुबई बुलाया जाता है, फिर आपको बहुत सारे आपको आपकी औकात से बड़े शशके दिखाए जाते हैं, फिर वो शशके आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे हीरोइन की होते हैं ना, शुरू में वो डीलर आपको फ्री में हीरोइन पिलाता है, जब आपको आदत लग जाती है फिर बोलता है कट पैसे, सो फिर आपके पास पैसे नहीं होते, फिर वो आपसे अपनी मर्जी के काम लेता है। सेम इज द केस विद द सोशल मीडिया। सो अगर आपके वालदैन आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप जैसे लोगों की वजह से होता यह है कि फिर जो बच्चियां वाकई पढ़ना चाहती हैं, वो बच्चे जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तो यही होता है, हम तो भेजेंगे ही नहीं। आपकी वजह से अगर किसी की तालीम का नुकसान हो रहा है, आपकी वजह से अगर कोई बंदा अपने ड्रीम्स परसू नहीं कर पा रहा, सो आप एक सदका जारिया होता है ना, या आप गुनाह जारिया कर रहे हो, आप किसी की लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। और इन सारी चीजों का मुझे एक ही रीजन समझ आता है, वो है ग्रीड, लालच। जल्दी मशहूर होना है, जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है। जल्दी क्यों कमाना है बहुत सारा पैसा? रिस्क आपके नसीब में जितना लिखा हुआ है उतना ही आएगा आपको। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी लिबास में क्या रखा है, शर्म तो इंसान की आंख में होती है। मुझे एक चीज समझा दो, सिर्फ फिल्मों में, गानों में जब चढ़ाना होता है, जब सीड्यूस करना होता है, तो लड़की के कपड़े कम किए जाते हैं या ज्यादा किए जाते हैं? अंग्रेज भी ये काम करते हैं। अगर लिबास से इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर लिबास कम क्यों किया जाता है उस टाइम? अगर नंगे होने से एम्पावरमेंट मिल रही होती तो सबसे ज्यादा एम्पावर्ड तो छोटे छोटे बच्चे होते, 6-6 महीने वाले। आपको गलत ट्रैप किया गया है। लोगों के लाइफस्टाइल से इंप्रेस मत हो। अगर एक बंदा आके बोरी कल्टी करके नोट दिखा रहा है ना, वो उसके नसीब का रिस्क था।
उसके लिए नंगा होना जरूरी नहीं है, उसके लिए टिकटॉक लाइव पर मैच जीतने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की जो शोहरत होती है ना, ये एक्सटेसी का शॉट होता है। जब ये पहली डोज आपको पड़ती है ना, आप ओवर द मून होते हो, आपको लगता है पता नहीं मेरी दुनिया बदल गई। एक्सटेसी एंड होगी आखिर में हेल पर आकर। पीरे कामिल में शायद ये लाइन मैंने पढ़ी थी। जब ये एक्सटेसी आपकी उतरेगी, आपको पता लगेगा आपने किस कॉस्ट पर क्या चीज ली है, फिर आप बोलोगे मैंने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। और इन केस अगर किसी के साथ आपने ऐसा कुछ कर लिया, किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ कर लिया, गुनाहों पे पर्दे डालो, अपने आपस के इश्यूज को इस तरह पब्लिक में लाकर सॉर्ट आउट मत करो। पर्दा रखने वाली जात अल्लाह की है। अगर आप आज किसी के इस तरह से ऐब उछालोगे, हमारे भी उछल सकते हैं भाई, झटके से, एक झटके से। अल्लाह जिस स्पीड से इज्जत देता है, उस स्पीड से अल्लाह ले भी सकता है। जिस तरह अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह रिस्क वापस भी ले सकता है। थोड़ा सा इस चीज को इस नजर से भी देख लो। ये कोई विक्ट्री नहीं है कि अगर आपने किसी लड़की को ब्लेम कर दिया और उस लड़की को नीचा दिखा दिया, आप जीत गए। आपने अपनी बेगैरती के ऊपर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर पावर 4, पावर 10, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे हो अपनी बेगैरती की। सो थिंक अबाउट इट। आप लड़की हो तब भी, आप लड़के हो तब भी, मोरालिटी का सारा बोझ लड़कियों ने नहीं उठाना भाई, ये लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना लड़कियों के लिए जरूरी है। एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालो, एक लम्हा भी नहीं लगेगा आसमान से फर्श पर आने में। यू नो व्हाट आई मीन। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। बाकी आपकी लाइफ है, जो बेहतर लगे करते जाएं।